हेलो एवरीवन, स्वागत है आज एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दृश्य क्लासेस पर। आज पोइम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और विश्व पर्यावरण दिवस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो मैं भी एक छोटा सा संदेश आपको यहाँ देना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना पर्यावरण को बचाने में, उसके संरक्षण में जो है अपना योगदान दें, दूसरे लोगों को भी जो है इस ओर प्रेरित करें कि वो भी जो है पर्यावरण संरक्षण करें। तो आज की हमारी जो पोइम है कक्षा 12 की, वो है 10 नेयर। यहाँ ये जो कविता है ये भी हमें आज कुछ ना कुछ सीख देगी, बहुत अच्छी पोइम है। स्नेह जो पोइम हमारी, इसको जेम्स स्टीफंस के द्वारा लिखा गया है। जेम्स स्टीफंस ने जो पोइम लिखी है स्नेह, बहुत ही अच्छा मैसेज देती है ये ह्यूमैनिटी को। और यहाँ पर स्नेह का जो अर्थ है वो है जाल। जाल को आप सब जानते हो, सब जाल से भली भांति परिचित हो। जानवरों को पकड़ने के काम में आता है, पक्षियों को पकड़ने के काम में आता है। तो यहाँ कवि ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार से प्रत्येक इंसान स्वतंत्र है, प्रत्येक इंसान स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का उसको अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से ये अधिकार जो है जानवरों को और पक्षियों को भी है। तो कवि ये कहना चाहता है कि हमें भी जो है कभी भी जानवरों के प्रति असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हम स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार से हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि प्रकृति का हर एक जीव अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखे। तो हम जो है यहाँ बता देते हैं आपको थोड़ा सा कि जेम्स स्टीफंस जो पोइट है इसका, ये थोड़ा सा एनिमल्स लवर है, जानवरों को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उन जानवरों के प्रेम पर आधारित उसने एक पूरी कविता लिखी है। कविता के अंदर जो है एक खरगोश कहीं जाल में फंस जाता है और कभी उस खरगोश को जो है बचाने की, उसकी सहायता करने की पूरी कोशिश करता है। तो हम टेक्स्ट शुरू करते हैं पोएम का, वो देखना थोड़ा ध्यान दिए इधर। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, 4 स्टेंजा है यहाँ पोएम के हमारे सामने। ये पहला स्टेंजा था यहाँ से, ये दूसरा स्टेंजा था, ये यहाँ पर तीसरा स्टेंजा है और ये अंतिम स्टेंजा है। पोएम को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है, प्रत्येक स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो लास्ट लाइन नेक्स्ट या फॉलोइंग स्टेंजा की फर्स्ट लाइन की है। जैसे अगर आप इस स्टेंजा को देखोगे तो यहाँ अंतिम लाइन है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, तो इस स्टेंजा की ये अंतिम लाइन है लेकिन अगले नेक्स्ट स्टेंजा की ये फर्स्ट लाइन है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं सेकेंड स्टेंजा की अंतिम लाइन है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, तो यही जो लाइन है थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। ठीक ऐसा ही यहाँ पर है, थर्ड स्टेंजा की जो अंतिम लाइन है एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, यही लाइन फोर्थ स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। वहीं शुरू करते हैं, सबसे पहली लाइन आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई यहाँ पर जो ये आई है ये पोइट हिमसेल्फ है, कवि खुद है और ये कवि खुद जो है स्थिति का वर्णन कर रहा है। आई हियर मैंने सुनी, ए सडन, सडन का अर्थ होता है अचानक, तो कवि कह रहा है कि मैंने अचानक से जो है क्राई, क्राई का अर्थ होता है चिल्लाना, क्राई चिल्लाना। तो कवि क्या कह रहा है कि अचानक से मैंने चिल्लाने की आवाज सुनी और चिल्लाने की आवाज कैसी, पेन, पेन का अर्थ होता है दुख भरी, दुख से भरी अचानक से कवि ने जो है चिल्लाने की आवाज सुनी। देयर इज अ रैबिट इन ए स्नेयर, और जो दुख भरी आवाज सुनी है कवि ने, उस आवाज को कवि जो है आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और पहचान कर यह अनुमान लगाता है कि जो आवाज है देयर इज अ रैबिट, ये जो आवाज है वो किसी खरगोश की है, वो किसी खरगोश की है और इन ए स्नेयर, वो खरगोश भी किसमें फंसा हुआ है, जाल में फंसा हुआ है। तो कवि ने ये अनुमान लगा लिया यहाँ पर दुख भरी आवाज को सुनकर कि कोई खरगोश है जो कि जाल में फंसा हुआ है और वह बहुत तेजी से चिल्ला रहा है। नाउ अब देखो आगे क्या होता है, खरगोश की आवाज को पहचानने के बाद आई वापस जो कवि है वो क्या कहता है,
आई हियर द क्राई अगेन, अचानक से दोबारा, अगेन यानी दोबारा, कभी जो है वो दर्द से चिल्लाने की आवाज को सुनता है, कभी एक बार फिर से दर्द को चिल्लाने की आवाज को सुनता है। बट लेकिन यहाँ पर बट का भी जो है देखेंगे हम बाद में, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, आई कभी जो है कैन नॉट टेल, ये नहीं बता पा रहा है फ्रॉम वेयर कि जो आवाज है वो कहाँ से आ रही है, किस दिशा से आ रही है। तो कभी जो है जाल में फंसे हुए खरगोश की दुख भरी आवाज सुनता है, आवाज को पहचानता है, लेकिन ये अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि खरगोश किस स्थान पर जाल में फंसा हुआ है, दुख भरी जो आवाज है वो किस दिशा से आ रही है। सेकेंड स्टेंजा आता है, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, वही फोर्थ लाइन वापस नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ, आई पॉइंटिंग सही पर कैन नॉट टेल नहीं बता पा रहा है फ्रॉम वेयर की जो आवाज है वो कहाँ से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, ही ये यहाँ पर है रेवी, जो खरगोश है इज कॉलिंग आउट का होता है पुकारना, तो जो खरगोश है वो पुकार रहा है फॉर एड, एड का होता है हेल्प, सहायता। तो जो खरगोश है जो जाल में फंसा हुआ है दुख भरी चीख से पुकार रहा है, तो कभी जो है वो सबको सुन रहा है और ये कह रहा है कि खरगोश जो है सहायता के लिए हमें पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एडर, क्राइंग, अब खरगोश के तो चिल्लाने की आवाज है जो दुख से वो चीख रहा है, ऑन द फ्राइटेंड एडर, देखो फ्राइटेंड का होता है भयभीत करना, डराना, भयभीत करना, डराना। एयर का क्या पर है वातावरण, तो वातावरण के अंदर जब खरगोश की दुख भरी आवाज गूंजती है तो उससे जो है सब लोग क्या हो जाते हैं, देखो मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, अफ्रेड का होता है डरना, उससे सब लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो खरगोश की जो दुख भरी चीख है वो इतनी अधिक दुख भरी है कि वातावरण में जहां जहां जिस जिस प्राणी के पास वो आवाज जा रही है वो सभी प्राणी जो है उस आवाज को सुनकर जो है भयभीत हो जाते हैं, पूरा वातावरण भयग्रस्त हो जाता है जिसमें खुद कभी भी शामिल है। इसी लाइन को फिर से यहाँ रिपीट किया गया है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, खरगोश के चीखने चिल्लाने से प्रत्येक जो है वातावरण में उपस्थित जीव जो है अपने आप को भयभीत डरा हुआ महसूस करता है। रिंकलिंग ऑफ हिज लिटिल फेस, देखो रिंकलिंग का अर्थ होता है सिकोड़ना, रिंकलिंग होता है सिकोड़ना। रिंकलिंग ऑफ हिज लिटिल फेस, लिटिल फेस ये लिटिल फेस आया खरगोश के छोटे से चेहरे के लिए, ये जो है खरगोश का जो चेहरा है उस खरगोश के चेहरे के लिए आया है। तो जो खरगोश का चेहरा है वह दर्द के कारण, उसकी दर्द भरी चीख के कारण सिकुड़ जाता है और सिकुड़ कर छोटा सा हो जाता है। जैसे हम लोग जब अगर कहीं दर्द में होते हैं तो हमारा चेहरा भी विकृत हम महसूस करते हैं। एज ही क्राइज अगेन, यही वापस रिपीट के लिए आया है, क्राइज यानी चिल्लाना, अगेन यानी एक बार फिर से, और एड यानी वापस सहायता के लिए, यही एड है हेल्प वाला। तो एक बार फिर से खरगोश जो है वापस सहायता के लिए चिल्लाता है। एंड और आई कोई, और कभी कह रहा है आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, फाइंड यानी पता लगाना, ढूंढना। तो कभी कह रहा है कि मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि खरगोश वास्तव में किस स्थान पर जाल में फंसा हुआ है और सहायता के लिए पुकार रहा है। ये वाली फोर्थ लाइन अंतिम स्टैंजा की वापस फर्स्ट लाइन है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द पैलेस, और मैं कभी कह रहा है मैं कैन नॉट फाइंड द पैलेस, मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि खरगोश किस स्थान पर जाल में फंसा हुआ है। वेयर कि किस स्थान पर, हिज पास आज होते पंजे, कभी कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सी दिशा है जहाँ पर उसके पंजे, इज इन द स्नेयर, जहाँ पर उसके पंजे जो है जाल में फंसे हुए हैं और वो बार बार में सहायता के लिए पुकार रहा है। लिटिल वन ओ लिटिल वन, अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन है लिटिल वन ओ लिटिल वन, तो कभी खरगोश को एक छोटा सा जीव कहकर संबोधित करता है, कभी खरगोश को एक छोटा सा जीव कहता है, जिस प्रकार से छोटे बच्चा जो इंसान
होता है छोटा वाला, उसको भी हम जो है बालक कहकर कभी कभार संबोधित करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कवि ने जो है खरगोश को एक छोटे से जीव के रूप में संबोधित किया है। तो कवि कह रहा है लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, सर्चिंग का होता है तलाश करना। तो कवि कह रहा है कि मैं जो है तलाश कर रहा हूँ एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर, मैं जो है प्रत्येक स्थान पर तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो है तुम्हें ढूंढ पाने में क्या है असमर्थ हूँ। मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वास्तव में तुम किस स्थान पर जाल में फंसे हुए हो। तो यहाँ कवि जो है उस खरगोश के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। कवि चाहता है कि वो उस खरगोश की मदद करे, और उस खरगोश की मदद करने के लिए कवि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर शुरू से लेकर अंत तक भटक रहा है, लेकिन वो उस स्थान को नहीं ढूंढ पाता है जहाँ जो है खरगोश जाल में फंसा हुआ है, और उसकी चीख करुणा भरी दुख भरी पुकार जो है बार बार कवि के कानों में गूंज रही है। तो इस कविता के द्वारा कवि जो है वह एक बहुत ही अच्छा संदेश देता है कि हमें प्रकृति और प्रकृति के अंदर निवास करने वाले सभी जीवों के प्रति जो है हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। इस प्रकार से हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वही स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रकृति के प्रत्येक जीव को जो है होना चाहिए। तो कवि हमसे ये कहना चाहता है कि हमें कभी भी जो है इन छोटे जीव जंतुओं को जो प्रकृति में पाए जाते हैं इनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए, और इनके लिए कभी भी जाल वगैरह नहीं बिछाने चाहिए। तो ये पोइम है, आप सभी एक बार आशा करता हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।